वेलकम फ्रेंड्स, माय नेम इज मुनीष। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल मुनीष मैप। आज का जो हमारा टॉपिक है, हमारे पास कुछ क्वेश्चन हैं। अगर आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम में बैठने जा रहे हो तो इस तरह के क्वेश्चन पेपर में जरूर आते हैं। अगर आपको इस सिंपल तरीके से इन क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो आपके पास जो टाइम होगा वो कम से कम 5 मिनट जरूर लगेंगे। और अगर आप शॉर्टकट तरीके से जो मैं आपको आज करने जा रहा हूँ उसके साथ सॉल्व करोगे तो जस्ट आधे मिनट में आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो फॉर्मूला क्या है उसके बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन क्या है, x raise to power 5 plus 1 upon x raise to power 5 is equal to 10 दिया गया है। हमने x raise to power 5 minus 1 upon x raise to power 5 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट कैसे करेंगे इसकी बात करते हैं। तो फॉर्मूला क्या बनेगा हमारे पास इसके लिए, ये देखते हैं। इसको आप मान लो कि जो भी वैल्यू आपको दी गई होती है, ओके, और अगर यहां पे माइनस का सिंबल है तो आपका आंसर आएगा के स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, ओके। और अगर आपके पास यहां पे प्लस का सिंबल है, मतलब जो चीज आपने फाइंड आउट करनी है, तो आपके पास इसको तो मान लिया हमने के, फॉर्मूला क्या बनेगा इसका, के स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। दोबारा बताता हूं एक बार, जो भी दिया गया है, जो वैल्यू दी गई है उसको आपने के मान लेना है। जिस वैल्यू को फाइंड आउट करना है उसके बीच में अगर माइनस का सिंबल है तो आपका आंसर आएगा के स्क्वायर माइनस 4, ओके। अगर आपके पास फाइंड आउट करने वाली वैल्यू के बीच में प्लस का सिंबल है तो आपका आंसर आएगा के स्क्वायर प्लस 4, ओके। तो यहां पे आंसर कितना आया आपका, के स्क्वायर 10 का स्क्वायर 100 माइनस 4 इज इक्वल टू 96 रूट। यहां पे कितना आएगा, 25 था के की वैल्यू, 25 गुना 25 625 प्लस 4 629, ये आपका आंसर आ गया। बड़ा इजी मेथड है। अब बात आती है कि इसका बेसिक क्या है, कहां से बना ये फॉर्मूला, इसके बारे में मैं थोड़ी सी डिटेल आपको बताता हूं। यहां पे देखो आपको दिया गया है a माइनस 1 अपॉन a इज इक्वल टू के, देन 1 a प्लस 1 अपॉन a की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। अब बात आती है a प्लस 1 अपॉन a को हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं a माइनस 1 अपॉन a का होल स्क्वायर प्लस 4, ओके। आप कहोगे कि मैंने इसको ऐसे क्यों लिख दिया, आप इसको एक्सपेंड करो, मैं एक्सपेंड करके बताता हूं। a स्क्वायर प्लस 1 अपॉन a स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू 1 अपॉन a, ओके, प्लस 4 हमारे पास यहां पे पड़ा था ऊपर स्क्वायर रूट है, तो कितना आ गया a स्क्वायर प्लस 1 अपॉन a स्क्वायर, a के साथ कैंसिल, प्लस का 4 है माइनस का 2 है तो क्या आ गया प्लस का 2, ओके। इस 2 को मैं क्या लिख सकता हूं, a इंटू 1 अपॉन a लिख सकता हूं ना, क्योंकि a के साथ ये कैंसिल हो जाएगी। तो अब ये फॉर्मूला क्या बन गया, a प्लस 1 अपॉन a का होल स्क्वायर का ऊपर स्क्वायर रूट पड़ा है, स्क्वायर रूट के साथ स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो कितना आ गया a प्लस 1 अपॉन a, ओके। तो इसका मतलब इसको ऐसे लिखा जा सकता है। अब इसकी वैल्यू क्या है k, तो कितना आ गया हमारे पास k स्क्वायर का प्लस 4 का स्क्वायर रूट, आपको यही फॉर्मूला मैंने बताया था, ओके। अगर आपको इसकी बजाय कोई भी पावर दे रखी है, a की पावर 4, a की पावर 4, ओके, यहां भी a की पावर 4, a की पावर 4, तो सेम चीज रिपीट हो जाएगी और फॉर्मूला फिर वही बनेगा, मतलब पावर का कोई भी इस पे मतलब इफेक्ट नहीं पड़ेगा। थैंक यू। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें।